राहु और केतु का राश परिवर्तन। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु, राहु मेष राशि से मीन राशि में और केतु तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि तुला राशि वालों के लिए इसका क्या असर रहेगा, आप ऊपर इसका क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। राहु आपके बहुत अच्छे 18 महीनों के बाद आपके बहुत अच्छे स्थान पर आ रहे हैं। अभी तक राहु आपके सप्तम स्थान पर बैठे हुए थे, सातवां स्थान दाम्पत्य और पार्टनर के बिजनेस का भी है, पार्टनर का भी है, यानी इन क्षेत्रों से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे थे तो आपको मन के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही थी, जो कि अब राहु 30 अक्टूबर 2023 से 18 महीने तक आपके खष्टम स्थान पर रहेंगे, जो कि अचानक कर्जे से मुक्ति, अगर आपके काफी दिनों से ऋण चल रहा है तो अचानक दूर होगा। शत्रु पर विजय, संतान की भी उन्नति होगी और कोई प्रतियोगिता परीक्षा आपकी अगर संतान दे रही है तो उसमें उसको लाभ होगा। अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो आपको भी सफलता होगी। यानी तुला राश वालों के लिए राहु का राश परिवर्तन बहुत ही अच्छा है। मुकदमा इत्यादि कहीं चल रहा है सफलता। अगर कोई आपका नौकरी में पदोन्नति रुकी हुई है तो अचानक उन्नति होगी, आपको शेयर मार्केट से विशेष लाभ होगा। सत्ता इत्यादि क्षेत्रों में भी आपकी ग्रह अनुकूल रहेंगे जो आपको लाभ देंगे। कुल मिलाकर के हर प्रकार से राहु आपके अनुकूल रहेंगे, सफलता मिलेगा, सत्व पर विजय होगा, सोचे हुए कार्य में सफलता होगी। राहु की पांचवी दृष्टि आपके दशम पर है, आपको थोड़े से भाग दौड़ और कर्म ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन बिजनेस और नौकरी में भाग दौड़ के बाद अच्छी सफलता आपको मिलती रहेगी। धार्मिक यात्राएं भी आपको करनी पड़ेगी। राहु की सातवीं दृष्टि खर्च पर होने की वजह से विदेश यात्रा भी करने का योग है, या अपने देश में भी आपको यात्रा करने के योग बन रहे हैं। थोड़ा सा कभी कभी खर्च को लेकर केतु खर्च स्थान पर बैठा हुआ है, वहां राहु की दृष्टि होने की वजह से खर्च को लेकर आप थोड़ी सी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन इसके बाद आप सबको सफलता प्राप्त कर लेंगे। सोचे हुए कार्य में आपको सफलता सिद्धियां प्राप्त होगी, मन को लाभ होगा और राहु की नवी दृष्टि कुटुंब पर है, थोड़ा सा कुटुंब से बनाकर रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन भाइयों की उन्नति होगी, मित्रों से लाभ होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 30 अक्टूबर से मन के मुताबिक लाभ होगा आपका। अगर कहीं ट्रांसफर इत्यादि काफी दिन से रुका हुआ तो आपका ट्रांसफर हो सकता है, ऋण में भी सफलता मिलेगी, मुकदमा कहीं चल रहा है उसमें लाभ होगा, उन्नति होगी, कोई प्रतियोगिता परीक्षा काफी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगा और लाभ होगा। कुल मिलाकर के राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, केतु द्वादश भाव में थोड़ा सा खर्च कभी कभी रह करके आएगा, कभी कभी चिड़चिड़ापन क्रोध से आपको बचना चाहिए। केतु की पांचवी दृष्टि चतुर्थ पर होने की वजह से माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी, यह 18 महीने माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव दे सकते हैं। सातवीं दृष्टि सत्व पर है, सत्व से थोड़ी सी अवधान रहे, लेकिन विजय आपकी ही मिलेगी। नवी दृष्टि अष्टम पर है, गाड़ी इत्यादि वाहन चलाते समय सावधानी बरते तो ज्यादा अच्छा रहेगा और निद्रा पूरी करें, क्योंकि केतु की दृष्टि नवी अष्टम पर होने की वजह से निद्रा पूरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नेत्र में चश्मा इत्यादि आपको लग सकता है या नेत्र में दर्द इत्यादि की भी संभावना लग सकती है। ऐसी बहुत सारी वीडियो देखने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम गाड़ी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण।